बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरतसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक जो है, इसमें स्टार्ट उन्होंने यू लिया है कि सबसे पहले आपने डिफाइन करना है सर्कुलेटरी सिस्टम को, और फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स, और देन उसकी जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में आपके पास ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे मुताबिक ये टॉपिक जो है ये बहुत टफ है और डिफ़िकल्ट है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें जब आप ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी गई हैं, और उस एग्जाम्पल में एक तरफ काकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरी तरफ जो है वो अर्थवर्म का। इट्स मीन के दोनों को पैरेलल लेकर चलना पड़ता है, दोनों को पैरेलल लेकर पढ़ना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वन बाय वन चीज़ें क्लियर होती हैं। अब मुश्किल ये पेश आती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो लाइंस की फॉर्म में लिख दी गई हैं और उसमें टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया। तो आई होप कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा पाऊँ विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम, और इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आप जब ये सारा लेक्चर सुन लेंगे, आफ्टर दैट आपको ये जो है इसमें कोई भी क्यूरी या डिफ़िकल्टी नहीं रह जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जिसने सर्कुलेट करना है, जिसने पूरी बॉडी के अंदर मूव करवाना है, किसको? फ्लूइड को, और वी कैन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड को मूव करवाया जाता है, उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? मतलब आपके पास एक बाकायदा तौर पे फ्लूइड होना चाहिए, उसके बाद उस फ्लूइड को पंप करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए, या फिर आपकी बॉडी में कैविटीज़ होनी चाहिए और नालियां होनी चाहिए, ये सारी बातें। अब इस जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिसको सर्कुलेट किया जा रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं कि क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है? तो उसकी रीजंस मेनली आपके पास दो हैं। एक, आपने फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। नंबर दो, वहां पर गैसों को पहुंचाना है जहां पर गैसेस नहीं पहुंच सकती। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाई सर्कुलेटरी सिस्टम इज नेसेसरी, सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? हम कहते हैं कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं लाइक ह्यूमंस, तो हमारी जो बॉडी है, हर सेल जो है वो उस आपके पास जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एक्सपोज नहीं है। अब डायरेक्टली हर सेल जो है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकता विद बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है जो उस तक गैसेस पहुंचाता है। और दूसरी बात है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, और सेल की जो नीड है वो ग्लूकोज है, सेल की जो खुराक है वो ग्लूकोज है। तो सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ग्लूकोज नहीं ले सकता, सेल को ब्लड के थ्रू, उस लिक्विड के थ्रू वो खुराक जो है वो मिलती है। तो इट्स मीन के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर, जो कम्प्लेक्स हैं उनके अंदर ये सिस्टम मौजूद होता है, ये पाया गया है। बिकॉज अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, मसलन अगर मैंने ही खुराक को डिफ्यूज़ करके खाना हो, तो इट्स मीन कि उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा और लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, दैट्स वाई सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसकी मेन जो पार्ट्स हैं, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक फ्लूइड हमें चाहिए होगा। वो फ्लूइड क्यों जरूरी है? क्योंकि उसने पूरी बॉडी तक जाना है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे या उसके अंदर गैसेस होंगी जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचानी है। ये आपके पास ब्लड हो सकता है अगर आप ह्यूमंस की बात करते हैं, या फिर आपके पास ये हीमोलिम्फ हो सकता है अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें। तो ये पिगमेंटेड होता है, ये नॉन पिगमेंटेड होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होती। उसके बाद अ पंपिंग ऑर्गन, एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट का नाम देते हैं। अब इसका काम क्या है? पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करना या हीमोलिम्फ को रिसीव करना और फिर पूरी बॉडी के अंदर दोबारा से उसको सेंड कर देना। उसके बाद है हमारे पास वेसल्स। अब ये जो वेसल्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आर्टरीज आ जाती हैं, उसके बाद कैपिलरीज आ जाती हैं, उसके बाद जो है वो वेन्स आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है मटेरियल को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स इसकी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बुक में जो मेंशन है उसकी दो टाइप्स मेनली होती भी दो टाइप्स हैं, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हम वन बाय वन पढ़ते हैं। जो आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये प्रिमिटिव टाइप है,
पुरानी है, जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पुराने हैं, जिनके अंदर एवोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, उनके अंदर ये पाया जाता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एडवांस टाइप है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का मकसद क्या है कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड चल रहा है उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर जो है वो रन करवा रहे हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। आफ्टर दैट ये स्टूडेंट्स, ये किस किस के अंदर पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर एंड मोलस्का के अंदर। मोलस्का में भी जो है वो स्नेल एंड क्लैम्स आ जाते हैं, ये प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद ये जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एनिलिड्स के अंदर या फिर सेफेलोपोड, सेफेलो किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हेड की फॉर्मेशन हुई है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर हेड की फॉर्मेशन हो उनके अंदर सेफलाइजेशन होती है, उसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास ऑक्टोपस है। उसके बाद एकिनोडर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब यहां पर हार्ट भी होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगी। और उसके बाद जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दैट इज़ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो हीमोलिम्फ है या जो ब्लड है या जो फ्लूइड है उसको क्लोज वेसल के अंदर नहीं रखा जाता बल्कि पूरी बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। और यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो होता है वो ब्लड यानी कि नालियों के अंदर फ्लूइड जो है वो रन करता रहता है, नालियों से कभी भी लीव नहीं करता। अगर लीव कर जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, यू नो वेरी वेल। ऐसा तब होता है जब हैमरेज होता है, यानी कि नाली कटी है तो इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होगी है। इसमें क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डायरेक्टली जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होंगे उनको क्या किया जाता है, डायरेक्टली बाथ किया जाता है, यानी कि फ्लूइड आएगा सबको नहला के चला जाएगा। लेकिन इस केस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज के जरिए कहाँ तक जाता है, टिश्यूज तक जाता है। किसके टिश्यू? ऑर्गन्स के टिश्यू। मिसाल के तौर पर हमने हार्ट तक ही, हार्ट के जो मसल्स हैं वहाँ तक ही ब्लड को पहुँचाना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू जाएगा, कोरोनरी आर्टरी है, LAD है। इसी तरह से आपके पास वो सारी की सारी राइट एंड लेफ्ट साइडों पर क्या हैं, नालियाँ प्रेजेंट हैं, वो नालियाँ दिल तक खून पहुँचाती हैं। अब दिल के मसल्स जो हैं उनको फिर ब्लड मिलता है और फिर वो अपनी वर्किंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसा किसके अंदर होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती नहीं है, तो इट्स मीन क्या है कि डायरेक्टली उसको बाथ कर दिया जाता है जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटीरियल इज डायरेक्ट। जो लिम्फ होगा, हीमोलिम्फ जो फ्लूइड है, उसके अंदर मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होगा और उसको बॉडी के हर ऑर्गन तक एक ही टाइम में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थ्रू कैपिलरीज होता है। हमने ऑक्सीजन पहुंचानी है, लीवर तक पहुंचानी है, तो वो भी हम कैपिलरीज की मदद से दे रहे हैं। हमने ग्लूकोज पहुंचानी है, तो वो भी ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज के थ्रू दे रहे हैं। और आफ्टर दैट नो गैसेस ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। ये जो आपके पास हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता जो क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो गैसियस ट्रांसपोर्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होती, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक्स प्लेस हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। सो आई राइट हियर, ये हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करती है, ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज MCQs जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब आपके पास जो है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हमने एग्जांपल से पढ़ना है। ओपन की एग्जांपल है कॉकरोच, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी जॉइंटेड लेग्स हैं, लाइक क्रस्टेशियंस हो गए, स्पाइडर हो गए, और कॉकरोच आपके सामने एग्जांपल जो है वो लिखी गई है। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट हम चलेंगे अर्थवर्म, क्योंकि हम अगर इनको इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो ये मे भी डिफिकल्ट हो जाए। मैंने सोचा है कि मैं आपको जो है ना वो वन बाय वन करके पढ़ाऊँ, तो मेरे ख्याल में ये ईजी हो जाएगा। हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को पहले पढ़ेंगे, फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास आ चुकी हैं। अगर हम बात करते हैं कॉकरोच के हार्ट की, तो ये टर्जा के नीचे प्रेजेंट है। टर्जा क्या है, टर्गा भी बोलते हैं इसको। मिसाल के तौर पर आपने काकरोच को देखा है, ये काकरोच है, तो इसके काकरोच की जो ऊपर वाली तह है जो आपको नजर आ रही होती है, दैट इज द टर्जा। उसके नीचे उसकी डॉर्सल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डी फॉर डॉर्सल एंड डी फॉर दुम, बैक वाली साइड जो होगी, उसकी डॉर्सल साइड पर क्या मौजूद है, 13 chambered हैं इसके हार्ट के। इसका हार्ट जो है उसके 13 खाने हैं, 13 खानों वाला दिल मौजूद है इसके पास, कॉकरोच के पास। अब बड़ी बात है जी,
इसके पास इतने खाने हैं, तो अब ये करेगा क्या, इन 13 खानों को यूज करते हुए ब्लड जो है वो कलेक्ट करेगा। याद रख लें, ब्लड क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये जो आपको चैम्बर नजर आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करने में मदद देते हैं, और उसके साथ साथ ब्लड को पंप करने में भी मदद दे रहे होते हैं। तो 13 चैम्बर, ये आपके पास जो है वो हार्ट है, और ये जो आपको फनल शेप नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एओर्टा। ये क्या चीज है, एओर्टा है, ये फनल शेप है। ये एओर्टा कहां पर प्रेजेंट है, इसके हेड रीजन के अंदर, इस जगह पर ये एओर्टा जो है वो प्रेजेंट है। अगर इसकी बात की जाए बॉडी कैविटी की, बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के अंदर जो खाली जगह है उनकी बात की जाए, उनको साइनसेस बोलते हैं। वो इसके पास मेनली 3 होती हैं, अगर आप ऐड करें तो 4, 3 मेनली हैं। उसको देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। एक ये डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है, एक ऐसी साइनस जो कहां पर प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पर, हम इसको डॉर्सल साइनस का भी नाम देते हैं। मतलब ये है इसकी बैक साइड पर पीछे जो है वो एक कैविटी मौजूद है, इसको हम डॉर्सल साइनस भी बोलते हैं। जो इसकी अपोजिट साइड पर मौजूद होगी, लाइक इस साइड पर मौजूद होगी, वो कौन सी होगी, दैट इज द वेंट्रल साइनस। वेंट्रल साइनस का दूसरा नाम जो है वो आपके पास है पेरीन्यूरल साइनस। पेरीन्यूरल वेंट्रल साइनस का दूसरा नाम पेरीन्यूरल साइनस है, और जो सेंटर के अंदर लाई कर रही होती है, दैट इज द पेरीविजरल साइनस। अब इनको बारी बारी देखते हैं कि इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या, और ये यहीं पर ही क्यों प्रेजेंट है। जो आपके पास ये जो ग्रीन से नजर आ रही है डॉर्सल साइनस, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। कार्डियम का वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी साइनस जो दिल के साथ साथ चल रही होती है, ऐसी कैविटी जो दिल के साथ साथ चले, उसको आप क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम साइनस या पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं। आपका जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो भी एक इस तरह से बैक के अंदर प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको आप पेरिकार्डियम बोलते हैं, यानी कि दिल के साथ साथ चलने वाली मेम्ब्रेन। तो ऐसी कैविटी जो हार्ट के साथ साथ मौजूद हो, वो क्या कहलाती है, पेरिकार्डियल साइनसिस कहलाती है। अब देखें ये करता क्या है, इसका अगर मैं हार्ट का एक चैम्बर यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊं, तो इसका जो लास्ट चैम्बर है, जो कि 13वां चैम्बर है, ये ब्लंट होता है। ब्लंट का मतलब है बंद है, पीछे से बंद है। और ये ब्लड कहाँ से लेता है, ये जो आपको दो लेटरल सुराख नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये इन सुराखों की मदद से, इन पोर्स की मदद से ब्लड को कलेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये है, यहां पे अराइज होता है कि ब्लड को कलेक्ट कहां से करेगा। ब्लड को कलेक्ट करेगा पेरिकार्डियल साइनस के अंदर से, यानी कि दिल की जो झिल्ली है, दिल की जो दीवार है, जो कैविटी है जिसके अंदर दिल प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, वहां पर सारा ब्लड कलेक्ट होकर आएगा। एक बात तो हमें यह पता चली कि जो पेरिकार्डियल साइनस है ना, इसके पास सारा ब्लड पूरी बॉडी में से जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, वो होता हुआ पेरिकार्डियल साइनस के पास आएगा। और फिर ये जो साइनस के ये जो साइनस में मौजूद हार्ट के ऊपर उसके जो चैम्बर हैं, उसके ऊपर मौजूद ऑस्टिया हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को या जो लिम्फ है या जो फ्लूइड है, उसको अपने अंदर लेकर आते हैं, सक करते हैं। तो इनकी मदद से जो लिम्फ होगा वो किधर आएगा, हार्ट के अंदर आ जाएगा। ये देखें जी, हार्ट के अंदर आ चुका है। ये जो ग्रीन से आपको नज़र आ रहा है, ये कलरलेस होता है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये आ चुका है। अब ये किसकी मदद से आया है, ऑस्टिया की मदद से आया है। किसके अंदर आया है, इन चैम्बर्स के अंदर। मिसाल के तौर पर यहां पर था, तो यहां से इस ऑस्टिया की मदद से अंदर, इस ऑस्टिया की मदद से इधर, इस ऑस्टिया की मदद से इस ऑस्टिया की मदद से, सो ऑन। ये दोनों साइडों पर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ये हार्ट का एक चैम्बर है, एक सुराख इधर होगा और एक सुराख इधर होगा, इन दोनों से इसने क्या करना है, ब्लड को या लिम्फ को कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करने के बाद ये जो चैम्बर हैं, ये एक दूसरे को ब्लड देते जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसने कलेक्ट किया तो इसने इसको दिया, इसने कलेक्ट किया तो इसको, एंड सो ऑन। ये क्या करते जाते हैं, हर पीछे वाला जो है वो अगले वाले को कलेक्ट करके जो लिम्फ है वो देता जाता है, और अल्टीमेटली ये फर्स्ट चैम्बर के पास पहुंचता है। जब ये इसके पास पहुंचता है तो क्या कर दिया जाता है, इसको जो हेड रीजन है वहां पर निकाल दिया जाता है। ये जी हेड रीजन के अंदर आ चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये साइनस प्रेजेंट इन द हेड। ये जी कैविटी जो है हेड के अंदर प्रेजेंट है, हेड साइनस का भी नाम इसको देते हैं। अब इसके बाद क्या होना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके बाद क्या होना है, कि ये जो आपके पास हीमोलिम्फ यहां पर आ चुका है हेड के रीजन के अंदर,
इसको भेजा जाता है, ये जो आपको नजर आ रही है पेरिविजरल, पेरिविजरल, विजरल मीन इंटेस्टाइन्स, यानी कि इंटेस्टाइन या नालियों के पास बिल्कुल जो साथ साथ कैविटी होगी उसमें से गुजरता जाएगा। अब ये जी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर बैक साइड। जब ये इधर जाता है तो यहाँ पर ये दो रास्ते इख्तियार करता है। एक ये रास्ता इख्तियार करेगा पेरिन्यूरल और वेंट्रल, ये अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा जी ब्लू के साथ। एक रास्ता ये इधर इख्तियार करता है और एक रास्ता ये ऊपर चला जाता है। इट्स मीन कि यहाँ से निकला हुआ हीमोलिम्फ दो रास्ते इख्तियार कर रहा है, एक किधर जा रहा है डॉर्सल के अंदर या पेरिकार्डियल के अंदर, इसके अंदर दिल मौजूद है, ये जो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये हार्ट के चैम्बर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब इसके अंदर आता तो यहाँ से हार्ट इसको दोबारा से कलेक्ट कर लेता है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है दिस इज कॉल्ड पेरिन्यूरल, इसके अंदर से क्या होगा ये हार्ट दोबारा से इस रीजन के अंदर आएगा और दोबारा से फिर किधर आ जाएगा पेरिविजरल के अंदर। तो इस तरह से ये ऐसे सर्कुलेट करता रहता है और ये ऊपर की तरफ से सर्कुलेट करता रहता है, तो पूरी बॉडी के अंदर एकदम से ब्लड को छोड़ दिया जाता है या फ्लूइड को छोड़ दिया जाता है, हीमोलिम्फ को छोड़ दिया जाता है। वर्ड ब्लड जो है वो असल में हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो दैट्स वाई वो अगेन एंड अगेन निकल रहा है मुँह से, तो इसको आप टंग स्लिप भी बोल सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो हीमोलिम्फ है उसको कलेक्ट कहाँ पर किया जा रहा है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है डॉर्सल साइनस के अंदर और पेरिकार्डियल साइनस के अंदर। फिर उधर से कौन रिसीव कर रहा है, वहाँ से हार्ट रिसीव कर रहा है, हार्ट रिसीव करके इस आयोटा के थ्रू इसके हेड रीजन में डाल रहा है और हेड रीजन से ये कौन सी चीज़ रिसीव कर रही है दैट इज़ द पेरिविजरल साइनस, ये रिसीव करके दोनों को दे रहा है। एक ये आपके पास जो डॉर्सल साइनस है उसको दे रहा है, दूसरा ये पेरिन्यूरल साइनल यानी कि वेंट्रल साइनस को दे रहा है और ये वेंट्रल साइनस अगेन से ये दोबारा विजरल को, ये यूं साइकिल चलता रहता है और ये यूं चल के पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब यहां पर देखें ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज द पेरिकार्डियल साइनस, ये जो ग्रीन से आपको नजर आ रहा है ये क्या है हीमोलिम्फ है, ये इसने किसको दिया पेरिविजरल को, ये पेरिविजरल, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रही है पेरिविजरल क्या करेगी, यहां से एक ये दे देगी किसको पेरिन्यूरल को और दूसरा ये दे देगी दोबारा से पेरिकार्डियल साइनस को, यहां से कलेक्शन हो जाएगी। अब जब इसके अंदर ब्लड ऐसे या हीमोलिम्फ मूव करेगा तो ये दोबारा से इसको इस तरह से दे देगी, तो ये साइकिल इसके अंदर रन करता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो पंप करना है हार्ट ने, क्या इसके लिए कोई पंपिंग मसल्स मौजूद हैं, कोई ऐसी मशीनरी मौजूद है जिसने हार्ट को पंप करवाना है, तो यस आपके पास आंसर होना चाहिए यस, ये मसल्स मौजूद है, इसको हम एलारी मसल्स बोलते हैं, ये मसल्स हेल्प करते हैं हार्ट को पंप करने के लिए। तो ये जो आपको ग्रीन से नजर आ रही है देखें, ये इसकी डॉर्सल साइड मैंने बनाई है काकरोच की, ये जो ग्रीन से नजर आ रही है कैविटी, ये कैविटी कौन सी है दिस इज द पेरिकार्डियल, ये जो आपको रेड से नजर आ रहा है ये सारे का सारा इसका हार्ट मौजूद है, दिस इज कॉल्ड हार्ट और ये आपके पास पेरिकार्डियल साइनस। आई होप कि अब आप लोगों को ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमने चलना है किसकी तरफ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, अर्थवर्म की तरफ जाना है। अर्थवर्म में क्या होता है कि जो हार्ट है उसके चार पेयर हो सकते हैं या पांच पेयर हो सकते हैं, ये चार पेयर यानी कि फोर पेयर्ड हार्ट जो है या फाइव पेयर्ड हार्ट जो है ये प्रेजेंट कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन है सेवंथ सेगमेंट से लेकर थर्टीन सेगमेंट तक। अगर आप अर्थवर्म को देखें तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड है, उसके अंदर डब्बे बने हुए हैं, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ऐसे ही सेम आप समझ लें कि एक डब्बे के साथ दूसरा डब्बा जुड़ा हुआ है, एक सेगमेंट के साथ दूसरा सेगमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसके सात नंबर सेगमेंट से लेकर 13 सेगमेंट तक जो हैं वो चार पेयर्ड हार्ट या पांच पेयर्ड हार्ट जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है आपके पास अर्थवर्म की एक डायग्राम है, ऊपर वाली साइड डॉर्सल है जिस साइड पर मोस्टली जो हेड रीजन, यहाँ पर ये ब्रेन है, ब्रेन की बैक जहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड जिसने रन करना होता है या आपके आप कह सकते हैं नर्व कॉर्ड ने रन करना होता है, ये रीजन आपके पास क्या कहलाता है दैट इज़ अ डॉर्सल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर तो ये चीज़ प्रेजेंट भी नहीं है तो ये इनवर्टिब्रेट है, दैट्स वाई ये हमारी बुक में इसको जो है ना इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये भी इन्वर्टिब्रेट है ये भी इन्वर्टिब्रेट है, ये आर्थ्रोपोड है और ये इसका जो बिलोंग है ये एनिलिड से है। अब चूंकि इसके पास हार्ट मौजूद है तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसके पास क्या होंगी, नालियाँ भी मौजूद होंगी, वेसल्स भी मौजूद होंगी, तो इसके पास मेन थ्री नालियाँ मौजूद हैं। अब वो हैं कौन कौन सी देखें,
एक आपके पास होगी डॉर्सल, ये जो आपको नजर आ रही है डॉर्सल, क्योंकि अबव साइड पर है। नीचे वाली आपके पास है वेंट्रल, ये नीचे वाली ग्रीन से जो नजर आ रही है ये वेंट्रल है, पूरी वेंट्रल साइड पर रन कर रही है। और तीसरी है सब न्यूरल, सब न्यूरल जो है ये आपके पास न्यूरल ट्यूब जो है उसके साथ साथ रन करती है, न्यूरल कॉर्ड के साथ जो है वो रन करती है। अब हमने देखना ये है कि इसके अंदर किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ये जो चारों के चारों हार्ट जो कि पेड़ की फॉर्म में मौजूद हैं, ये जब ब्लड को पंप करेंगे तो ब्लड जो है वो डॉर्सल वेसल के अंदर जाएगा, डॉर्सल ट्यूब के अंदर जाएगा, डॉर्सल नाली के अंदर जाएगा, और फिर वहाँ से मूव करता हुआ वेंट्रल साइड पर आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डॉर्सल टू वेंट्रल आएगा। ये इस तरह से जैसे मैंने तीर बनाए हुए हैं, एरो बना के आपको दिखाए हुए हैं कि ब्लड जो है इसके अंदर आप ब्लड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड किधर से किधर, डॉर्सल से वेंट्रल साइड पर आएगा। अब नेक्स्ट क्या होना है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो आपको नजर आ रही है ये कौन सी नाली है, दैट इज द डॉर्सल ट्यूब है, डॉर्सल वेसल है, ये आपको वेंट्रल नजर आ रही है, और ये आपको कौन सी नजर आ रही है, सब न्यूरल आ रही है। अब ये आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड होने का मकसद क्या है, ताकि बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ब्लड को पहुँचाया जाए और फिर वहाँ से ब्लड को कलेक्ट किया जाए, ऑक्सीजनेटेड पहुँचाया जाए, डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट किया जाए। और ये काम कौन करती हैं, ये कैपिलरीज करती हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये काम कैपिलरीज करेंगी, कैपिलरीज ब्लड को ले जाएंगी और फिर वहाँ से रिसीव करेंगी, टिश्यूज़ के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो रहा होगा। तो आपस में ये जो नालियाँ जुड़ती हैं ये किसकी मदद से जुड़ती हैं, कैपिलरीज की मदद से ही जुड़ती हैं। अब होना क्या है, ये देखें जितने मैंने हार्ट्स बनाए हुए हैं, ये हार्ट मैंने ऐसे बनाए जैसे महबूबा को खत लिख रहा हूँ, ये देखें। तो अब इसके अंदर ये चारों के चारों पेड़ फॉर्म में हार्ट है और लेटरल साइड पर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है मेरी ईसोफेगस है, एक मेरा हार्ट इधर हो एक इधर हो, ये कौन से होंगे, ये आपके पास लेटरल साइड्स कहलाती हैं। मसलन ये इसके अंदर इस जगह पर और इस जगह पर, ये लेटरल है, ये वेंट्रल है, और ये बैक वाली क्या है, डॉर्सल है। तो ईसोफेगस के दोनों साइडों पर, मिसाल के तौर पर ये ईसोफेगस है तो इसकी एक साइड पर ये हार्ट और दूसरी साइड पर ये ऊपर वाली डॉर्सल साइड होगी, ये वेंट्रल साइड होगी। तो इस तरह से ये जो है वो हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ये डॉर्सल है, ये यहाँ से ब्लड को क्या किया जाता है, इसके अंदर पंप कर दिया जाता है इस तरह से। अब डॉर्सल से ये वेंट्रल की तरफ किस तरह से जाएगा, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स और मौजूद होती हैं जो कनेक्शन का काम करती हैं, इनको हम कमिश्रल वेसल्स का नाम देते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड कमिश्रल वेसल्स। कमिश्रल का मतलब ही ये है जोड़ने वाला, और साथ ही साथ ये यहाँ पर भी इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ये कैपिलरीज की मदद से अटैच हैं। ये स्पेसिफिक नालियां हैं, बड़ी बड़ी नालियां हैं जिन्होंने क्या करना है, डॉर्सल से वेंट्रल या जो है सब न्यूरल इसको देना है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को बॉडी के अंदर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो इस तरह से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया है, पूरी बॉडी में चला गया है, अब उसकी कलेक्शन भी होनी है, उसको कलेक्ट करना है। अब बैकवर्ड कैसे आएगा, दोबारा से जो ये जो हार्ट है इसके पास कैसे आएगा, तो मेन बात याद रखें, ये जो डॉर्सल आपको बना के दिखाई है ना, ये बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है, ये ब्लड को सेंड करने में भी हेल्प कर रही होती है और कलेक्ट करने में भी हेल्प कर रही होती है। कैसे, जो डॉर्सल वेसल है इसने क्या करना है, जो सेगमेंट नंबर 14 है वहां से इसने कलेक्ट करना है, और उससे जो आगे वाले हैं लाइक 13, 12, 11 वहां पर यह क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ब्लड को आगे की तरफ भेजती है। अब जब इससे ब्लड जो है वो आगे जाएगा, अब बैकवर्ड मीन टू से आगे का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये उसका फोर रीजन है और ये उसका हाइंड रीजन है, तो यहाँ पर ये बैकवर्ड दूसरी तरफ देगी, बॉडी की तरफ जाएगा, वहाँ से ये कमिश्रल जो वेसल्स हैं उनकी मदद से ये डॉर्सल के पास आएगा, एन एज वेल एज जो है वो सब न्यूरल के पास आएगा, और साथ ही साथ ये क्या करती है, बॉडी जो है उसको भी ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। ये कौन कर रहा है, डॉर्सल वेसल कर रही है। अब पीछे हमारे पास बचती है वेंट्रल वेसल, ये भी, ये जो वेंट्रल वेसल है ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि ब्लड को आगे भेजने के लिए काम कर रही होती है, एक चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है जिसका काम क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो में ब्लड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। और लास्ट पे हमारे पास बचती है सब न्यूरल वेसल, ये अब आपके पास क्या है, कलेक्टिंग वेसल है,
ये कलेक्ट करेगी ब्लड को और सेंड कर देगी किसके पास, डॉर्सल के पास। अब देखें यहाँ से डॉर्सल ब्लड ले ही रही है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कनेक्ट मतलब कलेक्टिंग दोनों काम कर रही होती है, तो इसलिए हम इसका मेन रोल गिनते हैं इसके अंदर। तो जब ये सब न्यूरल से लेगी विद द हेल्प ऑफ CV, दैट्स द कमिसरल वेसल्स की मदद से ले रही होगी। तो यहाँ तक आई थिंक के आपको पता चल गया हो कि ब्लड किसी भी जगह से जो है वो नालियों से बाहर नहीं निकला, बल्कि कैपिलरीज में जाकर सिर्फ एक्सचेंज टेक्स प्लेस हुआ है, ब्लड कैपिलरीज से बाहर नहीं गया। सो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज द डॉर्सल और ये जो आपको नज़र आ रही है दिस इज द वेंट्रल और थर्ड वन जो है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।